संभल के जाना। गाड़ी क्यों रोकी? आप ही तो लिफ्ट मांग रहे थे। लिफ्ट मांगने से गाड़ी रोक दी? थैंक यू। हाँ, यू हैव ए गुड किडनी यार। यहाँ हाथ रख सकता हूँ क्या? श्योर, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें देख के लगता है तुम दुखी हो। तुम एक्सीडेंट से बच नहीं पाओगे। मैं बहुत ही सेफ ड्राइवर हूँ। देखो ब्रो, अब तुम रास्ते में भूखे खरीदोगे या बस स्टॉप या कॉफी शॉप में जाओगे, वहां पे तुम्हारी लवर आएगी, वो एक किस देगी, तुम एक हक दोगे, वो तुम्हें खिलाएगी और तुम खाओगे, वो इधर उधर की बातें करेगी, तुम्हारा सर खा जाएगी। ब्रो बहुत देखा ऐसा है। देखो मेरी बात मानो, अच्छा होगा कि तुम अपनी गाड़ी पीछे 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 मोड़ लो, सेफ रहोगे। फ्रंट रन यू सेव, यू टर्न यू सेव। यू टर्न लिया ना, आई ऑल्सो सेफ। मोड़ ले भाई, गाड़ी मोड़ ले। तुम सोच रहे होगे ये कौन है, क्यों आया, क्या बोल रहा है। आई नो। सर ये चेंज तुम ही रख लो। मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था कि तुम फूलों का बुके खरीदोगे। वो क्या है कि हर लड़का फूल देके ही लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। ये बता, कोई फूल बनने के लिए फूल खरीदता है क्या? इसलिए बोल रहा हूँ, गाड़ी घुमाओ गाड़ी घुमाओ। अरे भलाई है, गाड़ी घुमा लो गाड़ी घुमाओ। अगर इसे बात समझ में आती तो परेशानी क्या थी। आई नो। बाय द वे, आई एम नका मुकला शशांक। नाम चाहे बुरा हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ। मैं दिखने में थोड़ा चीप लगता हूँ, बट आई एम एजुकेटेड पर्सन। आई एम डबल ग्रेजुएट। आई एम विप्रो एम्प्लॉय। विप्रो जानते हो ना, जो पुणे में है। 50 लाख पर एनम। इतना कमाता हूँ और मोस्ट एलिजिबल बैचलर होकर भी एक लड़की ने ब्रो फर्स्ट टाइम मुझे बेवड़ा बना दिया। वोदका विद आइस, वोमिटिंग भी कर दी मैंने। पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रो। पता है ब्रो, धार पहले बोलती है कि प्यार है, फिर बोलते हैं कि मंगलसूत्र पहनाओ। इधर मंगलसूत्र बांधा, उधर बंधे हुए हम खुद को महसूस करते हैं। इसलिए मैं फ्री बर्ड हूं ब्रो। पहला प्यार स्कूल की टीचर थी, वो छोड़ के चली गई। इंटर में एक लड़की को चाहा तो बोर होकर उसने मुझे छोड़ दिया। और तो और, डिग्री में एक आंटी को लाइक किया था, वो धोखेबाज निकली, मैंने उसे छोड़ दिया। दैट्स माय टिपिकल स्टाइल ब्रो। मैं ऐसा ही हूं, 2 घंटे की फिल्म नहीं देखते हैं, लोग बोर हो जाते हैं ब्रो। सही बोल रहा हूं ना? बोर तो होना ही है, क्योंकि 100 साल की जिंदगी बहुत लंबी होती है। एक ही लड़की के साथ बिताओगे तो बोर हो जाओगे, दैट्स ऑल। देखो ब्रो, लव आजकल में सैफ अली खान, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हीरो का कैरेक्टर देखो ब्रो, जो लड़की मिलती है उसे प्यार करता है, किक ना मिले तो छोड़ देता है, फिर क्लाइमेक्स में क्यों बदल गया समझ नहीं आया। ऑरेंज मूवी में रामचरण, मैं उसका भी फैन हूँ। सेम वैसे ही प्ले बॉय जैसा रहता है, क्लाइमेक्स में बदल जाता है। लेकिन मैं नहीं बदलूंगा ब्रो, एक्चुअली आई एम द रियल हीरो। लड़की को बदलना पड़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझे बदलाव पसंद नहीं। मुझे क्या, पब्लिक को भी पसंद नहीं है ब्रो, सच कह रहा हूँ ब्रो। विश्वास ना हो तो पब्लिक से पूछ लो, क्या आप लोगों को ये पसंद है? नहीं पसंद है ना, देखा ना। इसीलिए बोलता हूँ ब्रो, आई एम द रियल हीरो। अब वो लड़की आएगी, फिर ये उसे बूके देगा, लड़की बूके लेगी, वो उसे किस देगी, ये उसे हक करेगा, दोनों प्यार की बातें करेंगे, फिर गाना भी गाएगा, रेस्टोरेंट का बिल भी चुकाएगा। रूटीन है यार ये सब। सेंट्रल जेल? सेंट्रल जेल में क्यों आया? जी आज नीरू रिलीज होने वाली। एक मिनट सर, वो तो कल ही रिलीज होकर चली गई सर। कल रिलीज हो गई? लेकिन वो तो आज रिलीज होने वाली थी। उसके बिहेवियर की वजह से उसे एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया। थैंक यू। कहाँ गई होगी वो?
क्या ट्विस्ट है ब्रो? तुम जेल में क्यों गए थे बताओ ना ब्रो? क्या वो जेलर है या मुखबिर है या फिर कैदी है? अब उसे कैसे मिलोगे ब्रो? मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। ये क्या? ये तो लॉक है। थैंक गॉड, इसे बचाने के लिए आपने बोर्ड लगा दिया। यू आर ए जीनियस गॉड, आई बिलीव इन यू। क्या हो रहा है बेचारी लड़की? ब्रो कम कम, आज तुम्हारा ही दिन है। टुडे इज योर डे, यू आर आउट ऑफ डेंजर। आईसीयू में जाने से पहले तुम्हें सीयू बोल दी। प्यार करके किसी को कुछ मिला है क्या ब्रो? नुकसान के अलावे अब चलो ब्रो, चलो। गॉड इज ग्रेट। हे, कुछ पता चला क्या? मीराबाई आंटी से कांटेक्ट करो तो उसकी डिटेल्स मिल सकते हैं। एक बार तू फोन करना। मीराबाई, असल में बात क्या है ब्रो? मैं अपने ही नीरू समझकर डर गया था। थैंक गॉड वो नीरू नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रो, पागल हो जाऊंगा। वो लड़की तुम्हें क्यों छोड़ के चले गई? अभी वो क्यों मरने वाली है? बोलो बोलो भाई, बोलो प्लीज। मैं ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। मैं भगवद गीता में गोपियों के बारे में पढ़ रही थी और ये मेरे सपने में कृष्ण बनकर आ गया। लोग कहते हैं कि दिन का सपना सच होता है। जरा पूछो तो ये क्या गुल खिला रहा है? हे भगवान, लगता है ये भी रासलीलाओं में शामिल हो गया। इतने साल मैंने इसे लड़कियों से दूर रखा, सब बेकार। लड़का हाथ से चला गया। माँ जी, आप ऐसे क्यों घबरा रही हैं? और छोटे मालिक को लड़कियों से दूर रखकर क्यों पाला है? ये जो तेरा मालिक है ना, वो 1000 एकड़ का मालिक था। लड़कियों के चक्कर में अब सिर्फ 100 बचे हैं। जब देखो तब लड़कियों के आगे पीछे भागते रहते थे। उन्होंने ही फिर मेरा बेटा बनकर जन्म लिया, इसलिए वो भी वैसा ही निकला। पांच साल के बच्चे को मेरे हाथ में रख के दोनों ने आत्महत्या कर ली जाके। अपने दादा और बाप के जैसा ना बन जाए इस डर से मैं अपनी ये जिंदगी अब तक जीती आ रही हूँ। इसे मैंने लड़कियों से दूर रखने के लिए लड़कों के स्कूल में डाला, लेकिन क्या फायदा हुआ? सब बेकार। मुझे तो उसके दोस्त का डर है। एक मिनट। अरे बाप रे, हाँ दादी। हाय दादी। कहाँ मुँह काला कर रहा है? गोद में। किसकी गोद में? मतलब मंदिर, मंदिर में हूँ। तू मंदिर गया है? नास्तिक कहीं का। हाँ दादी, एक मिनट, फिर से बोलिए। नास्तिक कहीं का। थैंक्स दादी आशीर्वाद देने के लिए। कहने का मतलब आशीर्वाद नहीं, गाली देना है। अब ये बता कि तुझे मंदिर में क्या काम आ गया? कौन सी लड़की से मिलने गया है? अरे दादी, मैं पूजा अर्चना के लिए आया हूँ। थोड़ी देर के लिए अपना नाम वही समझ लो। पंडित जी, आरती दीजिए ना प्लीज, अच्छे से दीजिए ना। जिसने आरती की थाली देखी भी नहीं है उसे आरती चाहिए। सच बता क्या कर रहा है? बात क्या है वो तो बताओ दादी। श्री कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा है मैंने। वो लड़कियों के साथ घूम रहा है और साथ में तू भी है। सपने में? सपने में घूम रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताऊं वहाँ के? बताऊं तुझे? बाप रे, फोन पे बताइए। सुन, सपना हो या सच हो, अगर तू उसके साथ ऐसे काम करते दिखाई देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, गधा नास्तिक का। ये दादी लोग भी इस जमाने में हमें लड़कियों से दूर रहने के लिए कहती हैं, और उनका लाडला पोता भी। भिंडी का अंग्रेजी नाम लेडीज फिंगर है,
ये पता चलते ही खाना ही छोड़ दिया। पता नहीं उसे लड़कियों से इतनी एलर्जी क्यों है। सच में? ऐसे आदमी से मैं भी एक बार मिलना चाहूंगी। अगर तुम मेरी तरफ देखोगी तो मैं बार बार तुम्हें ही देखूंगा, लेकिन वो लड़कियों को देखता ही नहीं है। लड़कियां तो उसके लिए ऑफ सीजन है। कहाँ रह गई है? उसका हमेशा का है, हमेशा लेट आती है, हमें बुलाकर खुद गुल हो जाती है। वो कोई मिडिल क्लास वाले की बेटी थोड़ी ना है, अंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर की बेटी है। भगवान के लिए भक्त लोग, हीरो के लिए फैंस, और अंजलि के लिए हम वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं। रुको 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 रुको, कहानी रोकने के लिए बोला था, गाड़ी नहीं, वही है ना तुम्हारी लवर। मुझे पता है तुम्हें देखी होगी, प्यार हुआ होगा, प्रपोज की होगी, तुमने ओके बोला होगा, उसके बाद तुम उसके पीछे चक्कर लगाते होगे। पक गया हूँ ऐसी लव स्टोरी सुन के यार। एटलीस्ट बेकार की कहानी सुनने में फिर भी मजा आता है, लेकिन लव स्टोरी तो ऊपर से ही जाती है। वही थी ना तुम्हारी लवर, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, मेरा लव शुरू हुआ था उस लड़की की वजह से, बट वो लड़की नहीं है। अच्छा मिस्टर नाकामुतला, आगे बोलो ना ब्रो। सॉरी। हाँ, तब से मैं आपको एक बात पूछने वाला था। पूछ ले ब्रो, जो चाहिए पूछ। आपने फर्स्ट टाइम ड्रिंक क्यों ली थी? और ये गाल पर निशान कैसा? दैट्स माय पर्सनल थिंग, आई हैव अ राइट टू माय प्राइवेसी। चलो अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी बुआ की एक लड़की थी, बुआ की लड़की थी इसलिए 10 सालों तक साथ में घूमे। इतने सालों के बाद थोड़ा सा एडवांटेज लिया तो क्या गलत किया मैंने, बता। अब प्यार खत्म हो गया तो वो लड़की आके मुझसे, शादी करो किशोर, शादी करो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करो शादी करो शादी करो, बोल के सर खा गई मेरा यार। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन लव, आई हेट लव, मैं लाखों बार कह चुका हूँ, फिर भी मैंने उसे कहा चाहो तो 10 साल साथ में घूमते हैं, तुम मेरा एडवांटेज ले लो, मैं तुम्हारा एडवांटेज लेता हूँ। सुनती नहीं ब्रो, सिर्फ इतनी सी बात पे, ब्रो इतनी सी बात पे उसने अपने हाथों से मेरी गाल पे रशीद कर दी। अरे पता है मैं कितना हर्ट हुआ, नई खरीदी हुई स्कूटी लेकर चली गई, बोली मैं जाके कुछ कर लूंगी, सुसाइड करे या साइनाइड ले, ऐसे चाइना पीस कितना देख चुका हूँ ब्रो। ये सब तो होता ही रहता है ब्रो, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में कुछ नयापन है, तुम अपनी स्टोरी चालू रखो ब्रो, प्लीज कंटिन्यू। Hey, लेट हुआ क्या मुझे? काफी देर से वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ ऑर्डर किया या नहीं? अंजलि के बिना ऑर्डर कौन देगा? ओके लेट्स मूव, लेट्स गो। हे गीता, हाय, क्या कर रही हो? अच्छा बताओ आज क्या ऑर्डर करेंगे? ओके एक्सक्यूज मी, यस आई लव यू। Really? दिमाग में आपका ख्याल, दिल में फीलिंग, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन ऐसे एक लड़का मुझे आई लव यू कहेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सॉरी। ये क्या बेचारा आई लव यू कह रहा था? व्हाट्स रॉन्ग गीता? हमें कितने भी लोग चाह सकते हैं, ओके? लेकिन हम किसे चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की लड़कियों में कॉन्फिडेंस जरा कम है। अंबानी का बेटा भी खुद आकर आपसे आई लव यू कहे ऐसा चाहती हैं। सिंपल। हाँ सही कहा, हम लड़कियों को यही तो चाहिए। नो इट्स रॉन्ग, इफ यू लव समवन यू हैव टू प्रपोज हिम। तुम ऐसा करोगी क्या? ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, मैं खुद जाकर आई लव यू कहूंगी। हे क्या देख रही है? नथिंग, कम सी दिस। वाओ कितना अच्छा दिख रहा है ना। लाइफ का मतलब एंजॉयमेंट नहीं अचीवमेंट है। ग्रेट। ए अंजलि वहां देख तो। वॉच दिस। हाय आई एम अंजलि, आई लव यू। I'm engaged. I don't believe in love, etc., etc. I don't want to listen to those things. Hello? Apna number to do. Iska number to main leke hi rahungi. Thank you.
नॉर्मली तो लड़के लड़कियों को देखते ही उनका एक्सरे करना शुरू कर देते हैं, है ना? ये कैसा लड़का है, लड़की को देखते ही दम दबा के भाग जाता है। मुझे लगता है वो जरूर गे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जब लड़कियों को देखता है तो ऐसे डरता है जैसे गोरिल्ला को देख लिया हो। इसीलिए चेहरा देखे बिना सीधा थर्ड फ्लोर भाग गया। सच में? हाँ, तुम्हें पता है इसके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट भी लड़का है। पानी के पैकेट पे अगर लड़की का नाम लिखा हो तो पानी पीना भी छोड़ देगा। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये मीटिंग क्यों अरेंज की गई है। हमारी कंपनी हार्ड फेस में है, सो वी नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। एक्सक्यूज मी, पिछले तीन साल का P&L बैलेंस शीट का डिटेल्स बता सकते हैं? 2009-2010 ईयर में हमारी कंपनी ने 7,50,29,238 रुपीज कमाए हैं। 2010-2011 ईयर में 72% बढ़कर 13,25,37,299 रुपीज कमाए हैं। लेकिन लास्ट ईयर लॉस ईयर बन गया। बट बॉटम लाइन ये है कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदकर हम फाइनेंशियली सपोर्ट देने वाले का इंतजार कर रहे हैं। एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी। यस। हमारी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन रिटर्न्स की क्या गारंटी है? सर, आंसर माय क्वेश्चन। हमारे लिए एक और चांस है सर। हेलो सर। ओह, कम कम बैठो। थैंक यू सर। सर वो अरुणा, कॉफी लेकर आना। हाँ बोलो बेटा। US में जैसे रिसेशन आया था, हमारी कंपनी भी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। ओह आई एम सॉरी। दादी है सर। तो सर हमारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। जानती हो ये कौन है? श्री है। कॉफी ले ले बेटा। तुम्हें लड़कियों को देख के डर के भागने की बीमारी है? सर हमारी कंपनी का फाइनेंस। हमारे फाइनेंस की पूरी देखभाल हमारा मैनेजर करता है। तुम्हारे लिए फाइनेंस सपोर्ट नहीं, मैं फैमिली सपोर्ट देना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं सर। नहीं समझे? अगर मैं तुम्हें फाइनेंस का सपोर्ट करूंगा तो तुम्हारी कंपनी आगे बढ़ेगी, और अगर फैमिली की सपोर्ट करूंगा तो मेरी कंपनी भी आगे बढ़ेगी। देखो श्री सर, अंजलि, अंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का फ्यूचर MD। मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हूं। उसे जो चाहिए मांगने से पहले मैं उसके सामने हाजिर कर देता हूं, और मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें चुना है। अगर तुम मान लोगे तो मेरी बेटी तुम्हारी हो जाएगी। क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हमें मैनेजर साहब ने सब बता दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। किसी का भी सपोर्ट ना होना, फिर भी हम आपके साथ हैं। दो तीन महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम पूरे दिल से करेंगे। सर आप आगे चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर दम है, आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, हमें आप पे भरोसा है सर। ऑल द बेस्ट सर। अब ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी ही प्रॉब्लम है। प्रसाद जी, केके सर की बेटी की सर शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। सारे के सारे मर्द ही हैं, आंखें बंद करके चलता हूँ। अबे आप ना, गुलाब सोचा था पत्थर निकला। बेटा अपनी आंखें बंद करके क्यों चल रहे हो? आंखें खोलकर क्यों चलूं? यहाँ कोई अप्सरा काम करती है क्या? सारे के सारे मर्द ही हैं यहाँ, इनकी शक्लें देखकर क्या मिलने वाला है मुझे? आपका बहुत जल्द स्टेशन आने वाला है, ऊपर जाने की तैयारी करो आप तो। श्री का रूम ही बेटर है। अच्छा हुआ श्री के रूम में जल्दी पहुंच गया। क्या बात है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया?
मैं शादी करने जा रहा हूँ। अबे स्वस्थ आदमी को क्यों शौक दे रहा है तू? तू क्या चाहता है इसी उम्र में मेरी अर्थी निकल जाए? तुझे शादी करने का ख्याल कैसे आया? अगर हमें सपोर्ट चाहिए तो केके ने उसकी बेटी से शादी करने की कंडीशन रखी है। केके की बेटी अंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज। लड़की तो मस्त है। मतलब वही कंपनी मस्त है। ज्यादा सोच मत, आगे बढ़ जा। वैसे भी तुम प्रॉब्लम में चल रहे हो ना? सर मैंने केके सर से बात की, वो अंजलि मैडम से बात करने के लिए कह रहे हैं। अंजलि की दोस्त भी होगी ना? उसके पैरों में चप्पल भी रहती है। तो फिर मंदिर ही सही। वैसे हीरो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हेलो आ गया। हाय हाय, यही है वो, मैंने कहा था ना। क्या देख रही हो? प्रपोज करने के लिए बोलो। ठीक है। आई लव यू। ये क्या शर्मा रहे हो? देखो ना कैसे शर्मा रहा है। अरे सुन, कहाँ जा रहा है? हम लड़कियां होकर नहीं शर्मा रही है, और उसकी हालत तो देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा अंजलि जी, सुनिए। डैडी ने सब कुछ बता दिया है, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। ऐसे क्या घूर रही हो? ब्रो का मतलब ब्रदर ही नहीं, ब्रदर इन लॉ को भी ब्रो ही बोलते हैं। ऐसे घूर रही जैसे खाई जाएगी। तूने जो किया वो सही नहीं किया। दूध पीना गलत है क्या? तो मैं दूध के बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, समझा? वो मुझे ही सही नहीं लगा। ये क्या कह रहा है तू? जो बात करनी चाहिए वही कर रहा हूँ। तो वही बात तूने उस लड़की के साथ क्यों नहीं की? मैं बात नहीं कर पाया इसलिए आ गया। अबे तू दूध पीकर बिल्कुल बिगड़ गया है, मेरे जैसा बीआरपी बिल्कुल सुधर जाएगा। तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? यार मैं अपने मतलब के लिए उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करूँ, ये मुझे सही नहीं लगा। अरे उस लड़की की जिंदगी कैसे खराब होगी? तेरे जैसा लड़का मिलना तो अलग की बात है। लक? हाँ। उसका तो बैड लक भी है। लड़कियों के साथ थोड़ी देर के लिए मैं लिफ्ट में नहीं रह सकता, तो ऐसे में मैं उस लड़की के साथ शादी करके जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ? मैं उस लड़की के लिए सही नहीं हूँ। मतलब तुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख भाई, अगर अभी से तू मेरी बात मानने लगेगा ना, तो लड़कियों को देखकर तेरे अंदर जो नर्वसनेस होती है उसे पूरी तरह से हटा दूंगा मैं, पक्का। मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तुझे साइकिल चलानी नहीं आती, कोई साइकिल चलाने को बोले तो? डर जाऊंगा। कार चलानी नहीं आती, कोई ट्रैफिक में चलाने को बोले तो? घबरा जाऊंगा। अब कैसे चलाता है? आंखें बंद करके चला लेता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि आंखें तो बंद होती है ना। चला लेता है ना, गाड़ी नहीं चला पाता था तो समय देकर सीखा। उसी तरह लड़कियों को समय देगा तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। बिना सोचे समझे बस तू मेरे इशारे पे चलता जा, तेरे सारे काम बन जाएंगे और तू उस अंजलि का पति बन जाएगा। तो आगे बढ़, उठा साइकिल और चलाना शुरू कर। जब भी हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो कभी कभार चैन भी उतर जाती है। ऐसे में बिना किसी की मदद लिए आपको चैन भी चलाना पड़ता है। ये काम भी ऐसा ही है। लो स्कूटी वाली आ गई। हाय। क्या है इतनी जल्दी में बुलाया? मेरे दोस्त को जानती हो ना? इसके बारे में कौन नहीं जानता? बात क्या है वो बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके साथ 3-4 दिन घूमना है और उसके अंदर लड़कियों का डर खत्म करना है। ठीक है, 4 दिन नहीं 40 दिन रहूंगी मैं, उसके बाद शादी करनी होगी। वो तुमसे शादी क्यों करेगा? उसका अंजलि के साथ फिक्स हो चुका है। तुझे क्या मैं कॉल कर दिखाई देती हूँ नालायक? ए, उसने तुझे मारा क्यों? अरे मारा तो मारा, एक जबरदस्त आइडिया दे गई तुम्हारे लिए। ये लोग नहीं, वो लोग ही सही है। वो लोग कौन? वो देख वहां रहती है। फालतू में बैठा के खाना खिलाने के लिए मैं तेरी माँ का रखवाला नहीं हूँ। जा जाके अपना काम देख, जा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सर, सर के लिए एक मस्त लड़की चाहिए। हाँ मिल जाएगी, जैसी उस दिन भेजी थी ना वैसी ही चाहिए। फर्स्ट क्लास, दिखने में लाजवाब हो, आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी हो, और ओंट बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसे। कमर ऐसी हो कि देखती ही जान चली जाए। लड़की ऐसी हो कि उसे पाने के लिए जान चली जाए तो परवाह नहीं। ठीक है, आपको जैसी लड़की चाहिए उससे 1% ज्यादा की क्वालिटी है मेरे पास, अभी भेजता हूँ सर। हाँ नीरू, हाँ।
जितना देता है उतने में ही काम चला लेना। नीरू एमएलए जी है ना? हाँ, चाहे एमएलए हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, मेरी कंडीशन बता दी है ना? तुम्हारी कंडीशन नहीं बताऊंगा तो तुम क्या छोड़ दोगी मुझे? कार वेटिंग में नीरू। ठीक है फिर जाती हूँ। घायल करके ही आना। नीरू ये लो पैसे। हाँ। तुझे मैं 10-20 रुपए में सोने वाली लगती हूँ क्या? ये ले तेरा पैसा। 5,000 5,000 जमा हो जाएंगे ना तो चले आना। चल जा। हाय, आजा 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 जल्दी आजा बाहर, आजा निकल ना तेरा काम हो जाएगा, आजा जल्दी। अरे यहाँ इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं? अरे चल ना, अरे आजा यार। जो मैंने बताया था स्टूडियो यही है, इस स्टूडियो में जिस भी सिनेमा की ओपनिंग होती है सुपर हिट होती है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे फिल्म की ओपनिंग भी इसी स्टूडियो से हो रही है और तुम्हारे फर्स्ट शॉट का डायरेक्टर मैं बनने वाला हूँ। मीरा भाई आंटी मजा आ गया। अरे वाह मीरा भाई आंटी, आप तो इतनी दुबली पतली थी ऐसे कैसे हो गई? ये क्या डार्लिंग, बहुत दिनों बाद आए हो, वो लड़का कौन है? मेरा दोस्त है, उसी के काम के लिए आया हूँ मैं। देखने में तो बहुत ही भोला है। भोलापन दूर करने के लिए तो तुम्हारे पास लाया हूँ, इसे भी आप बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट बना दो आंटी। इसके लिए तुम्हारा 10 दिन का टाइम चाहिए मुझे। नहीं हो सकता डार्लिंग। क्या आंटी इतनी बिजी हो क्या? मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है, मैं जा भी नहीं सकती। क्या बात कर रही हो? समझने की कोशिश करो डार्लिंग। मतलब लगता है मेरे दोस्त की किस्मत साथ नहीं दे रही है। ओहो, तो ये लड़की पसंद आई है तुझे? हाँ मैं चलता हूँ, तू उसे लेकर आना। ओहो, अभी से शर्माने लगा है तू है? अरे सुन, ऐसे बैठ के एकदम हीरोइन लग रही है तू। अरे वाह, तेरा स्टाइल तेरा कलर जबरदस्त है। नाम क्या है? इंडिया के स्टार्स तो क्या, हॉलीवुड वाले भी मेरे सामने फीके हैं। अरे बाप रे, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसके साथ 10 दिन रहना है, चलोगी क्या? अगर पैसा दिया तो 10 दिन तो क्या, मजा देने के लिए 20 दिनों के लिए भी जाऊंगी, समझा ब्रदर? तो चलो ना फिर। पर मेरी भी कुछ कंडीशंस है ब्रदर। अब तुम बार बार ऐसे ब्रदर ब्रदर बोलोगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? कंडीशन क्या है तुम्हारी, जायदाद लिख के देना पड़ेगा क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी कंडीशन मंजूर है तो मैं आती हूँ। ठीक है, कंडीशन बताओ। नंबर 1, मैं बीवी के जैसे सेवा नहीं करूंगी। उसके लिए थोड़े ही लोग यहाँ आते हैं। नंबर 2, शहर छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। सिटी छोड़ो, घर के बाहर भी नहीं जाओगी तुम। और तीसरी, रात में 8:30 से 9:30 तक मुझे फ्री छोड़ना होगा। हाँ, उस टाइम पर किसी दूसरे को भी बुलाती हो क्या? जैसे मैं? ज्यादा मत सोचो ब्रदर। फिर से ब्रदर, मेरा फेवरेट सीरियल आता है। सीरियल भी देखोगी, उसके लिए फुर्सत मिलती है क्या तुम्हें? हेलो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, भले ही जान चली जाए लिप टू लिप किस कभी नहीं दूंगी। तुम्हारे सारे कंडीशंस मंजूर हैं, चलो। हेलो, पहले पैसा भर क्या? कैश। मैं जाकर कैश भरता हूँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। या, या। शॉप ओपनिंग के लिए आई हो, हीरोइन के जैसे नौटंकी क्यों कर रही हो? हाथ नीचे करो। यही है मेरे फ्रेंड का घर, तुम्हें यहीं रहना है। केस? हाँ? अबे वो तुझे नहीं बुला रहा है, मुझे। किसे बुलाया अंकल? तुम्हें और किसे? मेरा नाम सूट केस या पुलिस केस नहीं है, केस ऋषि केस। अरे कुछ भी हो भाई। ये लड़की कौन है? वो
सिस्टर मेरी सिस्टर है, शादी के लिए लड़का ढूंढने आया हूँ इसके लिए। श्री के घर 3-4 दिन रुकूंगा। काम क्या करती है वो? क्या है कि वो नहीं, कॉल सेंटर में काम करती है ये। सैलरी कितनी है? 20,000 रुपीस। अरे पर नाइट 10,000 क्या है? बात सुनो, नाइट ड्यूटी की एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, कुल मिला के 30,000। अच्छा, क्या है कि अगले हफ्ते मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, तुम मुझसे इसे मिला देना। कब आ रहा है अंकल? उसे शादी करके तू भी अमेरिका जाएगी क्या? ये ले तेरा बैग, चुपचाप अंदर चल। पूछती है कब आ रहा है अंकल। और सुन, मैं जाके फूल लेकर आता हूँ। फूल किसके लिए? तुम्हारी फोटो पर चढ़ाने के लिए। डोर खुलाई है। घर तो बहुत बड़ा है। राजा, अरे कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? तो फिर मैं चली जाती हूँ। मैं बाथरूम में हूँ। ठीक है, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। राजा कहाँ हो? बाथरूम में हूँ। फिल्म में सलमान खान की एंट्री भी इतनी लेट नहीं होती। मैं बाथरूम में हूँ, खाना रखा है, खा लो। लगता है आज बाथरूम में ही सोएगा। हेलो, क्या कर रहा है बे? अरे वही काम कर रहा हूँ यार। वो काम करने वाला इतनी जल्दी फोन नहीं उठाता। तूने अपने रूम का दरवाजा बंद किया है क्या? तुझे कैसे पता? सही है, दरवाजा बंद करके सो जा, तेरी कंपनी भी जल्दी सो जाएगी। क्या यार, तू 10 दिन क्या 10 साल में भी नहीं सुधरने वाला है? सुन, जो मैंने कहा है कर, वरना उसे वापस छोड़ाऊंगा। अरे नहीं यार। तो फिर दरवाजा बंद नहीं करना है? और देख, इन 10 दिनों में तुझे कभी दरवाजा बंद नहीं करना है, मेरी बात समझ रहा है ना? ठीक है, तू जो बोलता है वही करूंगा। अरे वाह, ऐसे बोल रहे जैसे कूद ही पड़ेगा। अरे यार,
ए राजा, तो तुम यहाँ सोए हो? कमाल है, ये तो अब तक जाग रही है। अगर मैं अभी सो गया तो ये आ जाएगी। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कुछ तो सोच, आइडिया। हेलो, गाड़ी कहाँ तक पहुंची? कुछ काम हुआ क्या? क्या होगा, मुझे आदत है कि मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ और रात को उसके पास जाती हूँ तो वो चादर उड़कर सोता रहता है। हाँ, मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा, बिजली की स्पीड में आता है और चला जाता है। अगर उसे ही इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेकार में बिना मतलब का पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ऐसे जा रही हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें 10 दिनों के लिए इसीलिए लेकर आया हूँ कि तुम उसके अंदर कुछ बदलाव ला सको। तुम चली जाओगी तो कैसे होगा नीरू? ए, तू क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख ब्रदर, आओ काम करो और चले जाओ, बस ऐसा होना चाहिए। नीरू प्लीज मेरी बात तो सुनो। ब्रदर, तुम्हारे हालात मैं समझ सकती हूँ, मुझे तो करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम अपने दोस्त के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हेलो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, तू उस राजा को बोल के रखना। हाँ, मैं ही बता दूंगा ना। क्यों भाई दास, हमेशा भुक्खड़ के जैसा खाते रहते हो, खाने के बाद सो जाते हो, आखिर तुम्हें बिना काम किए नींद कैसे आती है? भूख सर, काम करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत के लिए बिना ब्रेक के खाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आजकल तुम डोर डिलीवरी किए बिना कस्टमर्स को धमकी देते हो कि सामान ऑफिस से आकर ले जाओ। हाँ, दोबारा तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। आपको मौका नहीं दूंगा सर, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। हाँ? कुरियर लेके सर। हिंदी सीरियल्स के डायलॉग और तुम्हारी बात हमेशा एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे। सर, आप क्या है? कुरियर आया है सर, डिलीवरी देके आता हूँ। हाँ। अरे टॉकिंग छोड़ो और जॉगिंग करो। हाय, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। सर, वो कोकटपल्ली के लैंड मैटर का क्या हुआ सर? मेरे बारे में तुम्हें एक बात बताओ, जब पावर में होता हो तो पब्लिक के बारे में सोचता हो, जब इलेक्शन आता है तो राजनीति के बारे में। और सुनो, अच्छा? पार्क में और पब्लिक प्लेस पे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता। ठीक है सर, आजकल तो पॉलिटिक्स में पोल्यूशन ज्यादा हो गया सर। तुम सही बोल रहे हो, चलो जॉगिंग करो। ठीक है, जाता हूँ सर। हाँ वेरी गुड, जाओ जॉगिंग करो। हाँ, इस समय किसका फोन है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कुरियर आया है सर। अरे सुबह सुबह दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, कुरियर वाला कहाँ से आ गया? हमारी 24 आवर सर्विस है सर। अच्छा, घर पे डिलीवरी कर देना। डोर डिलीवरी नहीं है सर, हैंड डिलीवरी, आपके हाथ में ही देना है। अरे भाई, मैं अभी पार्क में हूँ। मैं भी यही हूँ, पार्क में आपके सामने। कहाँ हो? नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम दास है। प्रेम दास हो या देव दास हो, दोनों में से कोई नहीं सर, मैं हरिदास हूँ। जल्दी मेरा कुरियर दो। तुम्हें हरी के पास भेजने वाला हरिदास।
गलत मत समझ राजा, तेरे पास है कि नहीं वो चेक करना है, वही भाग्य रेखा। अरे राजा, लड़कियों से डरना शर्माना छोड़कर उनसे बात करने की मुझमें हिम्मत दो भगवान। नमः शिवाय नमः शिवाय। बोर हो रहा है, मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले चलो ना प्लीज। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, चाल में फंसा ही लिया ना। चलो। उस लड़की को देखो। छोड़ यार, कैसे दिया? इन लोगों का तो ये रोज का धंधा है। तेरा दिमाग ठीक है? ये कैसी लड़की भेज दी तूने? hey, तू क्या चाहता है कि मुंबई जाकर तेरे लिए कोई हीरोइन को पटा करके ले आऊं क्या? अरे वो बात नहीं है। हाँ? ये शेमलेस होकर रोड पर डांस कर रही है, मुझे इरिटेटिंग हो रहा है। तूने भी तो उसे इरिटेट किया है, लेकिन वो बता नहीं पाई। बस कोई जरूरी नहीं कि पैसा फेंकने पर सब उंगली पर ही नाचेंगे, जरा कंट्रोल में रह। बाय। ऐसे मुसीबत में देखती हो ना तो दिल बहुत दुखता है राजा। चलो ना। क्या हुआ? कार स्टार्ट नहीं हो रही है। छे ए इडियट। अरे तू यहाँ? हाँ, बोल क्या हुआ? मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है यार। तो एक काम कर, तू मेरी बाइक लेकर जा, मैं कार बनवा कर लाता हूँ। अब क्या हुआ? ठीक है तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। छोड़ना नहीं, जोर से पकड़ लो। आ,
आज न छोड़ेंगे तुझे हम गोरी। अरे आगे देखकर चलो ना। हेलो कौन है? हेलो कौन है वहाँ? कौन? वही जो मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ। ओ अच्छा, वो रिंगटोन है दादी। रिंगटोन? वही दादी, फोन बिजी रहने से ट्राई आफ्टर सम टाइम जो बोलती है ना, वो वही लड़की है। क्या हो गया, मिर्गी चढ़ गई है क्या? कांपते हुए क्यों बात कर रहा है? नहीं कुछ नहीं दादी। सब ठीक तो है ना? अपना ख्याल रखना, मैं बाद में फोन करूंगी। हाँ ठीक है। ये रिंग टोन नहीं, वार्निंग टोन लग रही थी। उस नालायक को फोन करके पता लगाती हूँ। कौन है बाबा? ओ दादी। हेलो कौन है? हेलो दादी। क्यों बे, तेरा भी वही रिंगटोन है क्या? हाँ रिंगटोन। हाँ रिंगटोन। हाँ दादी रिंगटोन। मुझे कुछ डाउट हो रहा है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तुझे जान से मार डालूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादी। नमक का रेट इस समय क्या होगा? हट, नालायक नालायक का नालायक ही रहेगा। फोन रख। ठीक है रख देता हूँ। ये ले तेरी कार रिपेयर हो गई और ये बैग तेरे कार में था। थैंक यू। अरे चलना वहाँ, कुछ बात कर दिया तुझसे। तुम लोग चलो। इसकी तो साइड में चलें क्या? बात करने के लिए साइड में बुला रहा हूँ। चलो चलो। वन मिनट, अपने प्लान का क्या हुआ? पंचर हुआ है। अरे दो दिन पहले तो नया टायर डलवाया अभी था। ढक्कन। बाइक राइड ऐसे भी होती है, मुझे आज पता चला। जगह होती तो मुझे 1 किलोमीटर दूर बैठा देता। नाक बंद करके गटर में तैर सकते हैं, पर इस राजा को कोई नहीं बदल सकता। सोचते सोचते मुझे सुपर आइडिया आ गया। इस बार उससे भी जबरदस्त है। प्लान का नाम है जंगल का राजा और स्विमिंग पूल की रानी। मुझे क्या करना होगा? जो स्विमिंग पूल में करते हैं। यहाँ बैठा है मेरा राजा। Help! Help! Raja! Raja, help!
सपना देख रही थी। इस राजा को कोई नहीं बदल सकता। डार्लिंग, फेसबुक ओपन किया मगर फेस ओपन नहीं हो रहा है। पर तुम्हारा रिक्वेस्ट तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना सू। अरे बाप रे, सब मुझे सुदर्शन कहते हैं, लेकिन जब तुम सू कहती हो ना, मुझे बहुत मजा आता है। डार्लिंग, होटल चलते हैं, चलो। नहीं नहीं, पुलिस की प्रॉब्लम होगी। तो फिर पार्क चले। नहीं, पब्लिक प्रॉब्लम होगी। देखो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम सीधे घर में ही आ जाओ। तुम्हारे घर पर नौकर की प्रॉब्लम होगी। अरे कोई नहीं है यहाँ पर। कोई तो होगा। प्रॉमिस कोई भी नहीं है। तो फिर मैं आ गई। अच्छा सुनो, मैं बस 2 मिनट में तुमको कॉल बैक करता हूँ। आप कौन? नमस्ते जी। क्या चाहिए? कुरियर आया है। दो। लड़कियां चाहिए? चीटिंग करने वाले को मैं यही सजा देता हूं। उस ब्रदर का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अब मेरे आइडिया से मैं राजा को पटा ही लूंगी। अरे रुको 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 क्यों? अरे क्या पहले हुआ? उस मुखर्जी को मेरे सामने लेके आओ। कितने दिनों तक सोचता रहेगा ऐसा घटिया आइडिया? इस आइडिया से भी कोई कामयाब हो सकता है क्या इडियट? ये कोई आइडिया है? उसकी तो मैं कूल कूल। प्लान तो शोले के जमाने का है, लेकिन मूवी गब्बर सिंह के जैसी हिट होगी। इसका नाम है ऑयल मसाज। आ जा मेरे राजा। राजा अब तक आया क्यों नहीं? इसे नीचे कैसे बुलाऊं? राजा? हाँ? तुमसे मिलने कोई आया है? कोई मर्द है? आ रहा हूँ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। किरा, आजा, आजा। सुपरमैन की तरह आता तो लेट हो जाता, इसलिए स्पाइडरमैन की तरह आकर तुझे बचा दिया। थैंक्स यार। चश्मे के बिना तू अच्छा दिख रहा है यार। मैं बाहर हूँ, तू आ जा। देखा कैसे बचा लिया मैंने? तूने अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? मुझे एक जबरदस्त आइडिया मिला है। तू ऐसी ही बैठी रहेगी, जब वो आएगा तो हम जमीन में तेल डाल देंगे, जैसे उसका पैर पड़ेगा सर सर रखता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। मुंह बंद कर कहीं का। मतलब तुमने भी सेम प्लान बनाया था क्या? जो भी प्लान मेरे दिमाग में आता है वही इसके दिमाग में भी कैसे आ जाता है? ऐसे मत घूरो, उस पर अतिदेव का श्राप है, और जिसे ये श्राप होता है ना, उसका लड़कियों के साथ कभी कुछ नहीं होता। देख कर आता हूँ उसे। बाय।
हेलो बेटा श्री, मैं कल आ रही हूँ बेटा। हा? तुझसे मिलने आ रही हूँ कल। कल? हाँ। क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? कल दादी आने वाली है। अरे तो डरना मुझे चाहिए, तू क्यों डर रहा है भाई? अरे तो फिर नीरू का क्या करें, उसे यहाँ से भेज दें क्या? नीरू को भेज दिया तो तेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये नहीं, कुछ और सोच। फिर दादी को कैसे रोकेंगे? एक काम करते हैं, दादी को दो दिन बाद आने के लिए, ये तेरा फोन बज रहा है क्या? अरे केके जी हैं। केके जी, अरे तो जल्दी उठा के बात करना। क्या बात करूं उनसे? अरे कुछ भी कर यार। हेलो अंकल। हाँ श्री। मैंने गोवा में डेलीगेट्स के साथ तुम्हारी मीटिंग रखी है, तुम्हें अर्जेंट जाना होगा। ओके अंकल। और सुनो, तुम्हें मेरा मैनेजर आकर वहां रिसीव करेगा। कोई बात नहीं अंकल, वहां पर मेरा मैनेजर भी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कह रहे थे वो? फाइनेंस मीटिंग के सिलसिले में गोवा जाने के लिए बोल रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, नीरू को अपने साथ लेकर जा। तो फिर दादी आ गई तो? अरे मैं संभाल लूंगा ना, टेंशन क्यों लेता है? नीरू नहीं आएगी बोली ना। उसके लिए एक आइडिया है। सुनो नीरू, प्लीज एक बार के लिए गोवा जाओ ना, प्लीज 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 नीरू, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मुझे मना मत करना प्लीज नीरू, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज नीरू, प्लीज 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 नीरू, बात मान जाओ प्लीज, पैर पकड़ता हूँ। ऐसा मत कहो नीरू, बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो, प्लीज एक बार मान जाओ, प्लीज प्लीज चली जाओ ना गोवा, चली जाओ ना प्लीज। ठीक है, जाती हूँ। अबे श्री, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब आपका सफर करने वाला फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। अरे रुक 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 रुक, कहानी नहीं कार। नाइस वेदर ब्रो, कुछ गलत किया क्या? चलो चलो आ जाओ ना। व्हाट ए कार ब्रो, मैं तो ऐसे ही बहाना बना के बाहर आया था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी स्टोरी पे ही था। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कंटिन्यू ब्रो। मेरा नाम जावा है, वेलकम टू गोवा, मुझे देखकर सीखो। आपका सरनेम जावा है या आपका नाम जावा है? तुम लोग ट्रेनीज हो या इंक्वायरी ऑफिसर्स हो? नाम नया है इसलिए। नाम नया है इसलिए तो ट्राई कर रहा हूँ, पुराने नाम को छुपा लिया है मैंने। जावा का मतलब जनन गुल्ला वामनचारी, शॉर्टकट में जावा। सब कुछ मुझे देख कर सीखो। ये सीखने के लिए नहीं कहा, जब हमारे होटल में गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम कैसे करोगे बताओ? आई एम पेंटा, वेलकम टू गोवा। क्या कहा, पांटा? पांटा नहीं सर, पेंटा, पेंटेला ठाकुर, आपकी तरह शॉर्टकट रखा है। नहीं, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तुम रिसीव करो। सब लोग 10th मेल में एम करते हैं, हमें 11th मेल में एम करना है, ये बिजनेसमैन का स्टाइल। समझ गया सर, कस्टमर की बातें अगर समझ में नहीं आए तो उसे दूर रहना। दूर नहीं रहना है, पहले जानना है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसे हमें पूरा करना है, अरेंज करना है ठंडे दिमाग से। अगर सही ढंग से सिखाऊं तो हमें हर काम में ईमानदारी दिखानी है। देखो जी, ये गोवा का नंबर वन होटल है। ये देखो एक जोड़ी आ रही है, मैं कैसे रिसीव करता हूँ तुम लोग सीखो मुझसे। जी, आई एम जावा, वेलकम टू गोवा। केमिथिया चंती, तू गाली दे रहा है बेवकूफ। नहीं नहीं बहन जी, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। हाउ आर यू को उड़िया भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। हाँ ठीक है। ओ, ये लोग उड़ीसा से नहीं है। तो देखा, ये लोग उड़िया नहीं है, मैंने साबित कर दिया, वो भी आसानी से, जीनियस हूं मैं। सर देखिए फॉरेनर आ रही है। फॉरेन कल्चर भी जान लो। आज तुम लोगों का नसीब अच्छा है, मेरे जैसा काम सिखाने वाला आदमी मिलना मुश्किल है। हाय ब्लैकी, आई एम जावा, वेलकम टू गोवा। देन हाउ? अरे इसकी तो, what man, what happened? ऐसे लोग भी आते हैं इसीलिए मैंने रिसीव किया। अब तुम लोग भी इससे बच कर रहना, बी केयरफुल। गेस्ट को कैसे रिसीव करते हैं मैं देखना चाहता हूँ, तुम जाओ एक बार। ओके सर। हाँ जाओ जाओ। वेलकम सर, वेलकम मैडम।
देखा ना मैं कितनी अच्छी तरह काम सिखाता हूँ। हाँ, very good. Welcome to our hotel. Excuse me, I want to book 2 suite rooms under my name, please. दो रूम किसके लिए? एक ही रूम काफी है। Sorry sir, 2 suites are not available. What? Seriously? Yes. गोवा में दारू चीप मिलती है ना? अब मैं अभी पियेंगी क्या? अभी नहीं, थोड़ा अंधेरा हो जाने दे, फिर पियूंगी। बहुत फास्ट हैं आप तो। प्लीज चेक इट नाउ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मे आई हेल्प यू? यस या सर, सॉरी सर, एयरपोर्ट पे नहीं आ पाया। मैंने पहले से ही आपके लिए एक स्वीट रूम बुक किया है सर, वो बहुत ही बढ़िया है। आइए सर, आइए मैडम, प्लीज प्लीज। अभी गोवा में सीजन है तो रूम मिलना बहुत मुश्किल है सर। बहुत आलिशान कमरा है सर, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है सर, सच कह रहा हूँ सर। रूम आ गया। एटीएम कार्ड है क्या? नो मैम, रूम कीज। ओह, दरवाजे भी आजकल इससे खुलते हैं। सर, कल के प्रोग्राम की सारी तैयारी कर दी है सर। यू हैव अ नाइस टाइम। ओके, चलता हूँ मैडम। ये क्या कर रही हो? अंदर जाकर कपड़े चेंज करो। हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। तू गोवा में रह या अपने घर में रह, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। मतलब? मतलब इसके लिए गोवा तक आने की क्या जरूरत थी? सुन बे राजा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ ऑर्डर कर। हेलो, रिसेप्शन सर, ऑर्डर प्लीज। वन सैंडविच। हाँ, एंड ऑस्कर। हाँ मैडम। ये रीच वीच मुझे नहीं जमता है। अच्छा ये बता, गोवा में स्पेशल क्या है? नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? क्या है ये? बहुत अच्छा, सुखाएगा क्या? मुझे नहीं चाहिए। छी, राजा के साथ ऐसा ही करूँगी तो ठीक रहेगा। क्या हो गया? ये गलत बात है। ये इस दुनिया का आखिरी दिन भी होता ना, तब भी इस राजा से कुछ नहीं होता। सर। हेलो, हाय। हेलो, हाउ आर यू? एक्सक्यूज मी। यू आर एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, एक्सक्यूज मी सर। लगता है मैडम को कहीं जल्दी जाना है। विच फ्लोर मैम? आइए। इसका कुछ नहीं होने वाला सर। सर, देर हो रही है। सॉरी। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। ये सब क्या चल रहा है सर? लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस बस, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ, ची ची ची। यू मैड मैन, व्हाट आर यू डूइंग? क्या फालतू आदमी है सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स गो। हाँ आइए सर।
गुड मॉर्निंग जेंट। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम मीटिंग कल रख सकते हैं? सर प्लीज, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके सर। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, माय बॉस इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो कैन वी पोस्टपोन द मीटिंग फॉर टुमारो? या ओके। थैंक यू एवरीवन। क्या चाहिए सर? पीकर टल्ली होने के लिए, गंदी गंदी गाली देने के लिए, जो भी अच्छा रहेगा वो लेके आ जाओ। देवदास के जैसे गाली देने के लिए, भद्दी भद्दी गाली देने के लिए, और नहीं तो क्लास में गाली देने के लिए, और देनी है तो कुत्ते के जैसे गाली देने के लिए। मिला जुला के इनमें से आपको कौन सी गाली देनी है बोलिए ना सर। मेरी ओल्ड दादी को डांटना है तो आपके लिए लाल वाला सही रहेगा सर। सोडा दूं या वाटर दूं सर? बाप रे, मैं यहां रहूंगा तो मुझे गाली देगा। अरे नालायक बुढ़िया, कैसी औरत है तू? अरे कैसी सैडिस्ट है तू? औरतों से मैं डर जाऊं ऐसा बना दिया तूने। तुझे बीच रास्ते पर फांसी लगा देनी चाहिए। अरे बेचारी, मेरी दादी ने क्या किया है? ये सब मेरे दादा ने किया है। ए दादा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू इंसान है या जानवर है? तू लड़कियों पर क्यों इतना मरता था? नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस मोटी ने मुझे लिप टू लिप किस किया, चाहे तो आपको भी दिलवा दूंगा। चुप कर, अगर दम है तो सामने सामने आकर बैठ के बात कर। तुझे अचार नहीं चटनी बना दूंगा। किसकी चटनी बना देंगे? पापा, आप और आपके पापा मिलकर फुल्ली एंजॉय करके मुझे ऐसा क्यों बना दिया पापा? लगता है इन्हें ज्यादा चढ़ गई है। निकलता हूं। मेरी क्या गलती थी? छी, हेलो। वो दिखेगी आपको? फुल पीकर बार में पड़ा हुआ है। ये बार का है, मैं नहीं जानती। मैं आकर ले चलता हूँ। ठीक है। ये देखिए सर, सर उठिए, संभाल के सर, संभाल के चलिए। हाँ छोड़ो मुझे। I'm okay. सर आपका रूम। I'm okay. सर संभाल के, संभाल के। सर हेलो सर, से बात करनी थी मैडम। सोए हुए हैं सर? को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल मॉर्निंग शार्प 8 बजे मीटिंग है मैडम, सर को बता दीजिए। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मीटिंग है कह रहे हैं। मुझे डर है कि तब तक ये उठ पाएंगे या नहीं। कोई डॉक्टर है क्या? शायद फर्स्ट टाइम ड्रिंक की है। एक तो नीट पिया है इसलिए फुल हैंगओवर में है। आप जो टाइम बोल रहे हैं उस टाइम पे उठना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें डॉक्टर? अगर बहुत अर्जेंट है तो फिर ये टैबलेट देता हूँ, हर आधे घंटे में बटर मिल्क के साथ इसे देते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। अच्छा मैम, अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं रिसेप्शन पर रहूंगा। ठीक है। एक ही हफ्ते में मेरी रात भर जागने की आदत भी छूट गई। Thank you.
गुड मॉर्निंग सर, उठ गए आप? हाँ। कल रात अगर मैडम आपके साथ ऐसा नहीं करती तो क्या किया इसने? हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में आपके मुंह को पकड़कर इन्होंने। यू ब्लडी इडियट, यू स्काउंडरल, सर तुमने क्या समझ रखा है मेरे बारे में? सर आप गलत सोच रहे हैं सर, दरअसल इन्होंने आपका मुंह किस करने के लिए नहीं पकड़ा था। हर आधे घंटे में ये दवा और छाछ नहीं दी होती तो आप अभी भी बिस्तर पर होते। कल रात को क्या हुआ आपको जरा भी याद नहीं है? सॉरी। अरे वाह, ऐसे ही रहना, थैंक यू। मीटिंग में जा रहे हो क्या? तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। मर्द की साइकोलॉजी बतानी हो तो हम लोगों से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि रोज एक अलग मर्द के साथ रहते हैं। कोई अपनी बीवी से खुश नहीं है या फिर किसी में उतना टैलेंट ही नहीं है। इतना टैलेंट होने के बाद भी तुम लड़कियों से क्यों डरते हो? सारी दुनिया औरतों की खूबसूरती में खोई रहती है और तुम राजा लड़कियों को चुड़ैल की तरह देखते हो। रात को मैंने तुम्हें छुआ था, तुम्हें कुछ हुआ क्या? तुम में इतना सा भी कोई चेंज आया या फिर हार्ट अटैक आया? नहीं ना, औरतों की खूबसूरती की कद्र करना सीखो राजा, फिर तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, एक पैग का नशा सिर्फ नजरें मिलने से मिल जाएगा, तब वो तुम्हें चुड़ैल नहीं किसी ब्यूटी क्वीन जैसी लगेगी। तुम्हें पैदा करने वाली भी एक औरत ही है ना, तो फिर तुम औरतों से इतना डरते क्यों हो राजा? हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं पता नहीं, अगर हमारी भाषा में समझाऊं तो हमारे दिल में दुख होता है, फिर भी कस्टमर्स के सामने हंसना पड़ता है। दुख को होंठ पर छिपाकर उसी होंठ से हंसी दिखानी पड़ती है हमें, बल्कि हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले को खुश करना, अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ना पड़ता है। मुझे लगता है तुम में वो कंट्रोल है, तुम दूसरों पर अपनी जीत हासिल करना चाहते हो, पर जब खुद से ही हार गए हो तो कैसे जीतोगे राजा? पहले खुद पर भरोसा करो, फिर दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। जिंदगी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है और ये मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई दुखी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो आ गया कौन? तू उसे परेशान करती है, छोड़ ना यार। लेकिन ऐसा भी कोई लड़का होता है क्या? वो मर्द भी है या नहीं? कभी शादी वादी करेगा या नहीं? बच्चे बच्चे होंगे या नहीं उसके? ऐसा नहीं है कि उसने कोई नई बात बताई, लेकिन जब उसने बताई उसके बाद मैं अच्छे से समझ गया। वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझ में कोई बड़ी एनर्जी रिएक्ट हुई है। सर, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट द फ्यूचर गोल्स एंड द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ माई कंपनी। So, thank you all for your support, and I really appreciate you. बहुत खूब सर, क्या बात है सर? Thank you, fantastic sir. वाह, बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मुबारक हो सर. Thank you, thanks. एक्सेलेंट सर, जब केके ने मुझसे कहा तो मैं गलत समझा, ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, इस प्रोजेक्ट में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, आगे की बात केके जी खुद कर लेंगे। ओके।
एनीहाउ कांग्रेट्स, केके की बेटी से आपकी शादी होने वाली है। थैंक यू सर, आपने क्या स्पीच दी सर, ऐसा लगा कि आपके अंदर हाई एनर्जी आ गई है सर। ऐसी एनर्जी रहेगी तो सारे प्रोजेक्ट हमें ही मिल जाएंगे। सर मैंने आपके लिए और मैडम के लिए पेयर वॉच खरीदी है सर, प्लीज आप ये पहन लीजिए। सर मैडम केके की बेटी है ना? वो केके की बेटी नहीं है, शी इज अ कॉल गर्ल। एनीवेज गिफ्ट अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बैग हाँ ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? मुझे देखकर हंस भी रहा है। थैंक यू नीरू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे मतलब एक लड़की को छुआ। आज मैं इतना खुश हूँ कि उसकी वजह से तुम और तुम्हारी बातें ये डील ओके हो गई है। राजा चलो इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं, चलो। ए हुँ? हुँ? चलो। ओ, कितनी बड़ी शॉप है। नीरू तुम जाकर देखती रहो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो। सुनो ये रैक बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, इसे जल्दी से साफ करवाओ। अच्छा। और इस रैक की सारी ड्रेसेस को बदल दो, रैक बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, और ये जो ड्रेसेस हैं इनको भी। बहुत अच्छी है। अरे रे रे रे। मैडम वाकई बहुत अच्छा है। तू यहाँ का सेल्समैन है? जी हाँ मैडम। बताइए मैडम कौन सी ड्रेस दिखाऊं, पार्टी वेयर या फिर कैजुअल? त्योहार में पहनने वाली कोई अच्छी सी ड्रेस दिखाओ। त्योहार की ड्रेस दिखाता हूँ मैडम, अभी दिखाता हूँ। मैडम अंदर चलिए, अंदर की तरफ आइए, दिखाता हूँ। कस्टमर को देखना है यहाँ पर। ए त्योहार के कपड़े दिखाओ जल्दी, कहाँ कहाँ से चले आते हैं टाइम खराब करने। चप्पल देखो इसकी, हमारा नसीब है। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो ड्रेस चाहिए। अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है। कभी आईने में चेहरा देखा है? ये बहुत महंगी ड्रेस है, इसे मॉडल्स वगैरह पहनती हैं। चले आते हैं मुंह उठा के। हे क्या हुआ, ड्रेस नहीं देखी क्या? आओ। ए सुन इसको वापस रख दे। ओ वेलकम सर, व्हाट डू यू वांट सर, बोलिए। मैं एक एंजल के साथ आया हूँ। तो तुम्हारे शॉप की सबसे कॉस्टलीस्ट ड्रेस बताओ। मैडम जूस लीजिए ना प्लीज। जूस बेच रहे हो या कपड़े बेच रहे हो? पकड़ो पकड़ो इसे। कम ऑन क्विक, कम ऑन बॉयज, ड्रेस दिखाओ। कैसी दिख रही है वो? एंजल दिख रही है सर। कहाँ से आया है तू? कह रहा है एंजल जैसी दिख रही है? एक छोटा सा फॉल्ट है, दिख नहीं रहा है क्या? हेलो उसकी चप्पल वो है तेरी रेंज, भूलना नहीं। ओके सर। अभी तो मैं यहाँ से कुछ भी खरीदे बिना भी जा सकता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अपने पास जो कस्टमर आता है उन्हें क्या चाहिए उसकी जानकारी लेकर अगर उन्हें एंजल की तरह ट्रीट करेगा तो तेरी शॉप बंद करने का टाइम नहीं आएगा, समझ गया ना? सॉरी सर। इट्स ओके नीरू। जैसी तुझ में जैसी पाई है जो अदा, तू
जैसी शाम की तुम हो तान सुरीली रातों का ख्वाब तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो फूलों की जिस पे बारिश बरसे तुम हो हाँ वही तुम हो जिसके लिए मेरा मन तरसे प्यार का है ये निमंत्रण कर कैसे दिल नियंत्रण तेरा है ये असर के मैं खुद को भी लुटा दूं मन का खोना ये मेरे मन का खोना है तेरी ख्वाहिशों की ख्वाहिशें जो मन मेरा खोने लगा तारों की तू हम सफर मेरी राहों की तू है अब जहाँ दुनिया है वही कुछ नहीं तू नहीं जो रहना 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 इन आँखों में अब तो रहना मुझे है हाँ यही कहना तुझसे अब न जुदाई सहना मुझे है सांसों का चलना है तू जीने का अरमा है तू बिन तेरे मैं कहाँ हूँ मेरा सारा जहाँ है तू मन का खोना ये मेरे मन का खोना है तेरी ख्वाहिशों की ख्वाहिश है जो मन में रखोने लगा तेरे जैसी हमदम ना कोई देखी ना देखी कोई ऐसी तुझ में जैसी पाई है जो जस्ट अ मिनट यही रहना हाँ श्री हाँ बोलना क्या कर रहा है अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला हूँ अरे यार 2020 खेलने वाले को टेस्ट मैच खेलने के लिए बोलना बहुत बड़ा पाप है उसी तरह तेरे बिजनेस के बारे में बताना भी पाप है मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरा टच स्क्रीन मैटर कहाँ तक पहुँचा ओह अच्छा वो एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होने के लिए तैयार है अच्छा डेवलप हुआ बेटा अच्छा मैं ये बताना चाहता था कि इस ऋषिकेश मुर्तजा की शादी तय हो गई है हाँ तेरी शादी हाँ मेरी शादी बस थोड़ा लेन देन ज्यादा था उसे आगे पीछे करके फिक्स कर लिया अब तुम और नीरू आ जाओ बाकी का बाद में बात कर लेंगे बाय ठीक है यार बाय पर्स निकाल पैसा दे चल निकाल पर्स निकाल नहीं तो लड़की को मारूंगा निकाल चल पर्स निकाल चल जल्दी कर पर्स निकाल जल्दी कर चल यहां से आर यू ओके अब चले यहां से मैं अपने आप को ऐसा देख पाऊंगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यूं आकर यूं चली जाओगी सोचा था लेकिन तुमने तो मेरे दिल में घर बना लिया जिस दिन तुमसे मिला था उसी दिन को मैंने आखिरी दिन समझ लिया था लेकिन तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाली हो मैं बदल गया हूँ मेरी फीलिंग बदल गई है मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया है ये सब तुम्हारी वजह से आई नेवर फॉरगेट यू ये छोटा सा बदलाव कहाँ तक ले जाएगा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज तक लोग मेरी खूबसूरती को ही देखते थे लेकिन तुमने तो मेरा मन देख लिया आईना हमेशा सच ही कहता है क्योंकि देख तो मैं खुद को रही हूँ पर दिखाई मुझे तुम दे रहे हो नीरू कल मैं एग्रीमेंट पर साइन करने वाला हूँ वो होते ही हमें जाना है ओके इतनी जल्दी क्या हॉलीडे वॉलीडे कुछ नहीं होता है एटीएम मशीन की तरह 24 घंटे खुला ही रहता है हाँ समझ गए ना सर सब बिजी है थोड़ी देर रुकना होगा मैं आपके लिए ही आया हूँ सर मेरे लिए नमस्ते जी मेरा नाम दास है रो क्यों रहे हैं आप
इंसान को मारते समय रोना ही पड़ता है। मुझे गोली क्यों मारी? मैं कब किसे क्यों मारता हूँ किसी को नहीं बताता। तुम पहले आदमी हो जो मेरी गोली खा के मुझसे सवाल पूछ रहे हो। इट्स द फर्स्ट टाइम। चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ। तुमने एमएलए के पास नीरू नाम की कॉल गर्ल को भेजा था ना? सोचा वो एक रात की कस्टमर होगी, लेकिन वो बहुत बड़ा फरेब था। सर वो बंजारा हिल्स में वो 13 एकड़ की जमीन जो है वो। नहीं नहीं, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मजाक करने वाला तुम्हें मजाकिया लगता है? सर अगर आप बड़े दिल से एक छोटा साइन अगर कर दो तो। अगर तुम सीएम का भी प्रेशर लेकर के आओगे ना, तब भी वो लैंड में तुम्हें नहीं दूंगा। चलता हूँ सर। फिर मत आना। चलता हूँ सर। सुन, मैं एमएलए का पीए बोल रहा हूँ। सर? सर के लिए एक मस्त लड़की चाहिए, जैसी उस दिन भेजी थी ना वैसी लड़की होनी चाहिए। दिखने में लाजवाब हो, उसकी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी हो, होंठ गुलाब की तरह हो और उसकी कमर बिल्कुल बिजली की तरह हो। उस लड़की को पाने में किसी की जान चली जाए तो परवाह नहीं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। सर अगर उस जमीन के पेपर पर साइन कर दो तो। तो कुछ भी कर ले तुझे लैंड नहीं मिलेगा। तेरे हाथ में पावर है तो तेवर मत दिखा, चुपचाप उस पेपर पर साइन कर दे, समझा? दिन में सपना देखना छोड़ दे और फोन रख। ए, मेरी बात सुन। मैं जानता हूँ तू इतने आसानी से नहीं मानने वाला, इसीलिए तेरी कमजोरी मुझे पता है। क्या बोल रहा है तू? मैंने एक पार्सल भेजा है, उससे पता चल जाएगा। ए, प्ले कर। वीडियो अच्छा लगा ना? अच्छा कैप्चर किया है। गुड, वेरी गुड। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। दूसरों की कमजोरी अपनी ताकत बनती है, मुझे झूठ लगता था, लेकिन तुझे देख के मुझे यकीन हो गया है। देखो, पॉलिटिक्स और पावर, ये दोनों ही मेरी कमजोरी हैं और ताकत। लेकिन मुझे पता है कि तेरे पावर और तेरी ताकत को कैसे हैंडल करना चाहिए। ए, और इसी बात का फायदा मेरे पीए ने उठाया है। और मुझे आशा है कि हम भविष्य में ऐसे ही काम करते रहेंगे। सुनो दास, 4 लाश तैयार करनी है। टीवी वाले अगर आकर पूछे तो लाश मिल जाए लेकिन सबूत ना मिले, फोटो भेज रहा हूँ, काम खत्म कर देना। वो अभी कहाँ है? कहाँ है? हे, ये कैसा अवतार है? कल से यही मेरा अवतार होगा ना। जब तक तुम मेरे साथ हो इस तरह नहीं रहोगी। मेरी एग्रीमेंट पर साइन हो गई तो समझो हमारी कंपनी बच गई। मैं जाकर साइन करके आता हूँ। राजा, कुछ कहना है क्या? ऑल द बेस्ट राजा। ठीक है राजा। सर नहीं है। इसीलिए तो आया हो मैडम से थोड़ा करीब होने के लिए। ज़बान संभाल कर बात करो। सोचा कि तुम सर के करीबी हो इसलिए टच नहीं किया। सर ने कहा कि तुम कॉल गर्ल हो। कब से मेरे दिल की इच्छा है कि मैं तुम्हें छू लूं। मेरा बॉस तो लड़कियों से डरता है, पता नहीं क्यों भागते रहता है वो, मगर तेरे इतने करीब कैसे आया? तुझ में वो हाई वोल्टेज है। अरे थोड़ा करंट मुझे भी पास कर दे। छोड़ो मुझे। फ्री में नहीं बोल रहा हूँ। अरे देखना कितना सारा पैसे है, ये ले।
ये ले और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे कैसे मानेगी बता ना जो, अरे सुन जो क्या चाहिए तुझे, अरे सुन जो थप्पड़ में भी मजा है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा छोड़ूंगा, चाहे भेज मुझे जेल में, तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं दिल ना तोड़ मेरा तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे पास में आजा मेरे बाह में आजा मेरी रानी तू। अरे जितना भाव करी है जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा आजा हो जाएगा, अरे थोड़ा सा कॉपरेट कर ले आजा, प्लीज 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 छोड़ो, छोड़ने के लिए खड़ी पकड़ा है नीरू। अरे सुन तो रे मेरी बात सुनना, यू इडियट चलो उड़ यहां से, गेट अप, हिम्मत कैसे हुई तेरी, स्टूपिड सर मत मारिए सर, सर 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 चल यहां से बाहर निकल प्लीज सर, ब्लडी रास्कल। नीरू मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, दोनों साथ में चलेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। रुक जाओ नीरू, मेरी बात तो सुनो। तुम अमीरों का दिमाग कैसा होता है तुमने बता दिया ना, तुम्हें और तुम्हारे पैसों को सलाम। नीरू प्लीज नीरू समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ भी नहीं समझना, ये क्या, मैं इस पर गुस्सा क्यों कर रही हूँ, वो जो कह रहा है उसमें गलती क्या है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ कि उस पर मेरा कोई हक है। सॉरी नीरू, ठीक है पर दोबारा ऐसी बातें मत करना। ओके चलो, ये साड़ी अच्छी है यहीं खरीदी है। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाय हाय, मैंने सुना आप दोनों जा रहे हैं। Yeah. आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई खास जा रहा है। आप दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहना और जब भी गोवा आए इस जावा को नहीं भूलिएगा। बाय द वे आप लोग जा कैसे रहे हैं? बाय रोड। ओह ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू। रामचंद्र जी अद्भुत है, रामचंद्र जी की नीला है न्यारी, रामचंद्र जी की नीला है न्यारी, अरे हनुमान जी भी है, रामचंद्र जी की नीला है न्यारी, अगरबत्ती जला देता हूँ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, गाड़ी में भी आरती दे देता हूँ। ओम शांति शांति। फायर 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 नहीं गॉड फायर। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे कस्टमर भगवान के समान होते हैं। वाह क्या बात कही है तूने, टच मत करो वरना आप जल जाओगे। हो गई पूजा। मैडम टीका लगा लीजिए। शादी हो गई? नहीं हुई। तो फिर जल्दी से कर लीजिए। ब्रदर थोड़ा फास्ट चलाओ ना। बिल्कुल नहीं, आज बुधवार है, मेरी कुंडली के हिसाब से मैं गाड़ी फास्ट नहीं चला सकता, लेकिन अगर मंगलवार होता तो गाड़ी फास्ट चला सकता था। कोई अच्छा गाना तो बजाओ। जी बजाता हूं। अरे दूसरा गाना लगाओ ना।
अरे मैंने कहा था दूसरा गाना लगाओ। ये गाना आपको पसंद आएगा। इस गाने के अलावा कोई दूसरा गाना नहीं है? मुझे ये गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने 4 CD खरीदी है। 4 CD क्यों? 1 CD को ही बार बार सुन सकते हो। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? बाकी 3 CD फेंक दूं क्या? ओह, रहने दो रहने दो। भगवान भगवान। अब क्या हुआ? अरे मंदिर है सामने। कहाँ है मंदिर? उस पेड़ में फोटो लगा हुआ है ना, जहाँ भी मंदिर दिखे वहाँ रुककर प्रणाम करना चाहिए, ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा है। मैं 1 मिनट में आया। जय बजरंगबली, बजरंगबली, बजरंगबली। हम ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो पहुँचने में 6 महीने लग जाएंगे। प्रणाम स्वीकार कीजिए बजरंगबली। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीनों को उजागर, राम देवता अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र भवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी को मितने वार सुमित के संगी। अभी ये प्रसाद दे देता हूँ, अगर रास्ते में भूख लगी तो प्रसाद खा भी लेंगे। अब चलता हूँ। हेलो, आंखें बंद करके चला रहे हो? नींद आ रही है क्या? नहीं, भगवान के ध्यान में गाड़ी चला रहा हूँ। अगर इस तरह गाड़ी चलाओगे तो डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तब तो मेरे अहो भाग्य होंगे, मैं भगवान को इस उम्र में देख पाऊंगा। हेलो ब्रदर, टाइम हो रहा है, जाना है। अरे राहु काल शुरू हो गया है, 2 घंटे के बाद हम चलेंगे। अरे इसके साथ रहेंगे तो नहीं चलेगा, चलो हम चलते हैं। बिना पैसे दिए जा रहे हो, नुकसान आपका ही होने वाला है। हेलो लिफ्ट 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 लिफ्ट, थैंक यू सर, हमें आगे जाना है। आओ 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 जाओ। राहु काल में जा रहे हो, कोई बचा नहीं पाएगा। 2 घंटे बाद मिलता हूँ तुमसे। ओम नमः शिवाय। देव 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 महादेव, 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 देव देव। हे ड्राइवर, अरे राहु काल में तो किसी को देखना भी मना है। तुम्हारे कार में एक लड़की और लड़का थे, वो लोग कहाँ गए? भगवान के पास। हाँ? अरे दूसरी कार में चले गए। कुछ भी हो जाए उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चलो। आ चले गए, देवा 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 महादेवा। ये क्या, हमारे घर की शादी में आकर आप विदाई तक नहीं रुकने वाले? मैं नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी आपको, आपको मेरी कसम है। आप कसम खा रही हैं तो फिर मैं रुक जाता हूँ। नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, अरे मामा जी। सर 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 सर, 1 मिनट सर, आप एक बात बताइए, आप किसकी तरफ से आए हो? इस घर में तो आपकी ही चलती है ना सर। भाई चलता तो मेरा ही है। हाँ। लेकिन मैं किसी के तरफ वाला नहीं हूँ। तो फिर? मैं एक ड्राइवर हूँ, किसी को ड्रॉप करने यहाँ आया था। ड्राइवर हो? अरे भाई ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो हमारे दूल्हे का बाप है ना, वो सबको ठूस ठूस करके खिलाता है, अब तो शादी है ना, और ठूस के खिलाएगा। अरे पुल्ला। अंकल मेरा नाम पुल्ला नहीं है, पुल्ली कोंडा लक्ष्मी नारायण। स्टाइल तो वही है ना, एडजस्ट कर लो। 1 घंटा पहले तूने पूरी भाजी समोसा खाया था, और कुछ खा लेना। मैं जितना भी खा लूं अंकल, लेकिन इसके जैसा नहीं बन सकता ना। हाँ। अंकल एक बात बताइए। हाँ। ये उठा करके ऐसा हुआ या खा खा कर ऐसा हुआ? ये सूंघ के ऐसा हुआ है। हाँ बोल क्या बात है? अरे यार हम शादी में आए हैं ना, वो ही अपना मुखर्जी की शादी में। हाँ हाँ सच में यार। हाँ देख श्री आ रहा है। हाय। हाँ रखता हूँ। बिल्कुल सही समय पर आया तू। ए, तू नहीं आएगा ऐसा सोच के मुखर्जी ने तेरे मर्डर का प्लान बनाया है।
अच्छा ये मुखर्जी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ यार। हाय। ये तो तेरा रीति रिवाज नहीं है। अरे वो बात नहीं है यार, मैंने बहुत सारी लड़कियों से अफेयर किया है ना, किसी लड़की ने देख लिया तो मेरी शादी रुक जाएगी, इसीलिए ये प्लान इसने किया है। सही है ना प्लान है? अरे माँ आ गई। अरे फूल से चेहरा क्यों ढक रखा है, चलो पूजा में। हाँ ठीक है चलो। आंटी तुमने मुझे आवाज दी, मुझे तो लगा था इस जन्म में कभी बात नहीं करोगे, बहुत खुशी हुई। वैसे ये लड़की कौन है? फ्रेंड है। बहुत सुंदर है। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ। तुम भी चलो ना बहन, चलो चलो। यार कोई बॉम्ब से मारता है, कोई चाकू से मारता है, लेकिन ये अंकल तो खिला खिला के मार रहा है। सही कहा यार, मुझे याद किया। अरे बैठो 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 बैठो। हाय अंकल। हाँ और श्री बैठो। और सुनो, तुम सब के नाम पर ऑर्डर कर दिया मैंने, मैसूर पाक, खाजा, रसगुल्ला, चमचम और संदेश। तुम लोगों को नाश्ता किए हुए आधा घंटा हो गया। अरे अरसी खिलाओ इन लोगों को। अंकल श्री को खाए हुए घंटा हुआ है। कोई बात नहीं, स्वीट स्वीट पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये स्वीट तुम्हारे नाम का, ये लो पकड़ो और खा जाओ, खा लो। मुझ जैसे वीक बैट्समैन से आप सिक्स मरवाने की कोशिश कर रहे हो। क्रेजी अंकल। सम्मान के लिए कोई नाप तोल नहीं होता है, सब बराबर है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम खाते जाओ। ए, जब तक मैं ना आऊं तब तक खिलाते रहना। अरे पुल्ला, नीरू को कहीं दिखा है क्या? तुम्हारी फ्रेंड को हमने छुपाया नहीं है। कोई बेटी नहीं है ना, आज इसे तैयार करके लग रहा है जैसे अपनी बेटी को तैयार कर दिया। ऐसे ही देखती रहूंगी तो तुझे नजर लग जाएगी बेटा। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ओ, बहुत थैंक्स यार, नीरू को मेरी शादी में लाकर तूने बहुत अच्छा काम किया है यार। मेरी कोई बहन नहीं है ना, नीरू ने मेरी बहन की जगह ले ली। अरे वाह, इस खुशी के मौके पर सबको मुंह मीठा करना होगा। बिल्कुल, आपको हमारे सम्मान को स्वीकार करना ही होगा। इन सबको छोड़ो, आप लोग पहले उस तरफ देखो। मैं माला बनाऊं क्या? जानू, अरे रुको ना, देखो सुई कितनी बड़ी है, तुम्हें चुभ गई तो। ठीक है, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। जानू तुम किचन में मत जाओ, काली हो जाओगी ना जानू। जानू ऐसे खाओगी तो दांतों में दर्द होगा, जूस बना के दे दूं। अरे तू इसकी छोटी छोटी खुशी को क्यों बर्बाद कर रहा है, चुपचाप खाने दे नहीं तो मर जाएगी। क्यों जी, शादी में सिर्फ खाना ही है या कुछ और भी है? अब और क्या चाहिए? अरे बेटा गाना बजाना भी तो होना चाहिए ना। हमारे खानदान में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, बताइए क्या करें? फिर अंताक्षरी के लिए क्या? तेरी अंताक्षरी शोले से लेकर मैंने प्यार किया कि आगे कभी जाता ही नहीं है तू तो। मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होता हूँ जब मेरी बीवी मेरे साथ कोई खेल खेलती है, तो है ना जानू। अबे तेरी बीवी को कोई उठा कर नहीं ले जाएगा। ये सब देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है श्री। शराब छूट सकती है, सिगरेट छूट सकती है, पर ये जो रिश्ते हैं ना ड्रग्स की तरह होते हैं, एक बार आदत लग गई तो दूर होना मुश्किल होता है। कल यहाँ से जाने के बाद मैं इन सब से दूर हो जाऊंगी ये सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती श्री, मेरा जाना ही ठीक होगा। कहाँ जाओगी तुम? हमारे खानदान की शादी में आकर कोई विदाई से पहले नहीं जा सकता, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। देखो नीरू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी ही बेटी मान लिया। ये तुम्हारा ही घर है, हमारा प्यार तुम्हारे ऊपर हमेशा ऐसे ही रहेगा। चलो अंदर आओ। अर्जेंट मीटिंग है बोलकर बुलाया, फिर यहाँ सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं भाई? हमें यहाँ आकर 3 दिन हो गए, हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं। अब समझ में आई बात,
मेरे पिताजी ने तुम लोगों का ख्याल नहीं रखा ना पापा। अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार। शेर के लिए वो मैसूर पाक और गाय को टमाटर खिलाकर ऐसा कोई सम्मान करता है क्या? नहीं, जो तुझे पसंद है वो करेगा तो नहीं, सबको पसंद है वो करेगा तो उसे सम्मान कहते हैं। यहाँ ना कोई ड्रिंक्स है ना गाना बजाना, बोलो शादी है या अन्नदान का समारोह? अरे बैचलर पार्टी होनी चाहिए। मैं तुम सबका दुख समझता हूँ, तुम सबको जो चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा है ना। चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए सारी तैयारी करके रखी है। हमारे खानदान को समझते हैं क्या? सब तैयार है ना? सब तैयार है भाई, सारी तैयारी करके रखी है, जाकर मजे करो। प्लीज और नहीं खा पाऊंगा। क्या कह रहे हो? हाँ? स्वीट खिलाना हमारे घर का रिवाज है जीजा जी। हाँ जीजा, देखो साले साहब, अतिथियों का सम्मान करते करते तुम थक गए होगे, इसलिए हमारे खानदान की तरफ से समथिंग स्पेशल। आप खा लीजिए। ऐसा है क्या? तो खा ले। हमारे खानदान की शादी में उसकी क्या देने की औकात है? नौकरी छोड़ कर आ जाना चाहिए। हाँ हमारा खानदान तो ऐसा ही है, पावरफुल। लो इसी बात पे गौर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीजा जी, जिसे शुगर की बीमारी वो दिन में तीन बार खाता है, लेकिन आप तो आधे आधे सेकंड में बार बार खिला रहे हो। ऐसा ही है हमारा खानदान। तो फिर आप भी खाओ, फोटो निकालो। पराय मर्द से बात करने के लिए पिताजी ने मना किया है। मैं पराय मर्द देखता हूँ? दूल्हा हूँ मैं, तेरा पति। एक बार सर उठा के देखो ना। मंगलसूत्र पहनाने तक सर मत उठाना, ऐसा भी कहा है। तेरे पिता को बोलना चाहिए, तुझे नहीं। बेटी जरा फूल उठाकर यहाँ रखो। जब तक शादी ना हो जाए फूल छूने के लिए मना किया है इनके पिताजी ने। कोई बात नहीं बेटा, तुम फूल रखो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लूंगी। दीजिए। अरे चार चपाती और एक पालक पनीर, ठीक है बॉस? दो चाय। थैंक यू। वेलकम। श्री, पहले तुम लड़कियों से कितना डरते थे और अब मेरे साथ 10 दिन गुजारे हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा ना? मुझे भी। मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि अब तुम लड़कियों से नहीं डरते। अच्छा राजा, अगर मैं तुम्हें अंजलि को प्रपोज करने कहूँ तो तुम कैसे करोगे? शादी होने के बाद जैसे बीवी को आई लव यू कहते हैं वैसे ही। दुनिया की हर लड़की अपने प्यार से आई लव यू सुनना चाहती है राजा, मुझे यकीन है अंजलि भी तुमसे वही सुनना चाहती होगी। तवे जैसे तुम्हारी खूबसूरती में मैंने अपने दिल का ऑमलेट बनाया है। मैंने सोचा था तुम मेरे साथ 10 दिन रहोगे तो तुम्हें मेरी आदतें पड़ जाएंगी। ये फूड कोर्ट कहाँ से आ गया राजा? अंजलि, मैं लड़कियों से बहुत डरता था, मेरे सामने आकर ये सारी बातें बताकर लड़कियों के बारे में मेरा ओपिनियन ही चेंज कर दिया। मेरी छांव जब तक मेरे साथ है
तब तक मुझे किसी की जरूरत नहीं ऐसा समझता था, लेकिन तुमने मुझ में बदलाव लाया है। तुम्हारी दोस्ती ने मुझ में भरोसा बढ़ाया है। दोस्ती के बारे में सोचा था लेकिन प्यार सामने आ गया। प्यार को चाहता था लेकिन वो सपना रह गया। सपनों को ढूंढ रहा था तब तुम सामने आ गई। सॉरी श्री, मैं अंजलि के कैरेक्टर में आ गई थी। अगर सच कहूं तो तुम अंजलि के कैरेक्टर में थी ही नहीं। जाकर उसे उड़ा दो। मारो उसे, मारो, खत्म कर दो उसे। तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? ये हमारे लिए आम बात है। तुम जाओ, मैं भी चली जाऊंगी। थैंक्स। चलो मेरे साथ। हा? चलो। थैंक्स छोटे। मैं ये 5,000 रुपए लेकर आया हूं। छोटा भाई समझाता तुझे। ए नीरू, ऐसे रो मत नीरू। उठो नीरू, नीरू चलो उठो। चलो आओ। बस श्री, बस करो। ऑटो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ राजा। तुम्हारे साथ गुजारे हुए 10 दिन जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरी बात सुनो नीरो। नीरो रुको तो। श्री बेटा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या बात है? श्री, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं अंकल। कुछ चाहिए तुम्हें? नीरू चाहिए। हाँ हाँ अंकल, अंजलि के दिल में तो मैं हूँ लेकिन मेरे दिल में नीरू है। मैंने अंजलि से कभी प्यार किया ही नहीं, ऐसा करने की मैं कभी सोच नहीं सकता।
आई एम सॉरी अंजलि। क्या सॉरी? केके का मतलब समय के साथ ट्रेवल करना नहीं है, खुद समय केके के साथ ट्रेवल करता है। देखो, मेरी बेटी तुम्हें चाहती है, इसी वजह से मैं अपना रुतबा तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन के बहुत कीमती दिन तुम पर कुर्बान किए हैं। मैं जानता हूँ अंकल। क्या जानते हो तुम? सारी तैयारियां हो जाने के बाद अब तुम ना कह रहे हो। बीच रास्ते में खड़े तुम जैसे आदमी को मैंने जिंदगी दी और अब तुम मुझे सड़क पर लाना चाहते हो? अच्छा, तो अब तुम्हें प्यार याद आ गया। जब जरूरत थी तब हमारे पैसों का इस्तेमाल किया, अब हमारी इज्जत से खेल रहे हो। मेरे अहंकार को टच किया है तुमने। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, बीच सड़क पर खींच कर लाऊंगा। बस करो, बहुत हो चुका। क्या कह रहा है? क्या खींचेगा खींचेगा? हाँ क्यों, पहले जो किया था वो कम पड़ गया? पैसों से बिजनेस करो, प्यार से नहीं। तुम्हारी बेटी का सपना पूरा करने के लिए तुमने जो झूठ कहा उसी झूठ के सहारे जीना होगा। पैसे से घमंड बढ़ता है, गौरव नहीं। तूने मेरे पोते के बिजनेस को बर्बाद किया, मेरे बेटे की जिंदगी को दो कौड़ी का बना दिया। ये सब मुझे कैसे पता चला यह सोच रहा है? ए मैनेजर। यस, आई गॉट द नंबर फाइनली। लिफ्ट 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 लिफ्ट। हेलो, हाय अंजलि हियर, कॉफी शॉप लव। बैड सिग्नल, घर के ऊपर ही टावर बिठाना चाहिए। अंजलि, अंजलि का फोन कट किया। क्या हुआ बेटा? कॉल कट किया उसने। क्या कहा? अरे अरे रुक जा, सुनिए जरा, यहाँ आके देखिए, आपकी बेटी का बचपना बढ़ता जा रहा है। किसी ने कॉल कट किया तो घर का सामान तोड़ रही है। अंजलि, ये सब क्या है, गुस्सा है या खुशी? नहीं, गुस्सा है। ये क्या, आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं? तुम्हें पता है ना, ये रिलैक्स होती है या टेंशन में होती है, गुस्सा करती है या खुश रहती है, हर हालत में रिएक्ट ऐसे ही करती है। अब गुस्सा किस पर है? बताओ ना, किस बात पर गुस्सा हो? वो मुझे अवॉइड कर रहा है। हाँ, मेरी अंजलि को अवॉइड कर रहा है? कौन है वो? क्यों, प्यार हो गया है? शादी भी उसी से करूंगी। हाँ, वो कौन है बेटी? श्री डैडी, श्री सॉफ्ट का MD। मैंने डिसाइड कर लिया है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया। फ्रीज क्यों हो गई हो? शादी की तैयारियां करो। हाँ, हेलो, क्या आप श्री सॉफ्ट कंपनी के मैनेजर बोल रहे हैं? अपनी बेटी की शादी के लिए तूने उसकी बेटी की शादी करवाई। मेरा पोता ईमानदार है, इसलिए पहले ही बता दिया। कोई और होता ना, शादी के बाद छोड़ के चला जाता। अपने पोते को बचपन से ही लड़कियों से दूर रखा मैंने, बचपन से ही सारे संस्कार दिए मैंने इसे। मेरे घर में सीता जैसी बहू आए ये चाहती थी मैं। मेरी बहू ऐसी हो जिसके अंदर सारे अच्छे गुण हो। सीता ने भी राम के साथ जंगल में जाने के लिए एक बार नहीं सोचा था। मेरे पोते के लिए ये लड़की जेल तक चली गई। तुम में से कोई इसके लिए ये करेगा क्या? बताओ, करेगा? तुम जाओगे या फिर तुम जाओगी? इंसान चाहे तो चांद पर भी जा सकता है, पर नफरत हो तो दिल में भी जगह नहीं बना सकता। चल बेटा। ए बुढ़िया। हाँ डैड। हाँ? दादी की बातों में सच्चाई है, उसका प्यार सच में सच्चा है। मैं खुद ही सेल्फिश होकर फुलिश जैसा बिहेव कर रही थी। इस जन्म में नहीं मिला तो क्या हुआ, अगले जन्म में जरूर मिलेगा, तब उसे मिस नहीं करूंगी। नहीं ब्रो, तुम्हारा प्यार जीतेगा। आई एम श्योर अबाउट इट, तुम्हारा प्यार जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ पक्का जीतेगा। क्यों ब्रो, मेरे मुंह से प्यार के बारे में सुन के अजीब लग रहा है? बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ चाहे, एटलीस्ट स्टेटस को देखे बिना तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो, दैट्स ग्रेट ब्रो।
एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना ही प्यार होता है यार। तुम्हारा प्यार सच्चा है ब्रो। मुझे अब तक यकीन नहीं हुआ था, लेकिन प्यार है। अब पता चला कि मैं गलत था। जो नहीं बदल सकता वो जीरो है ब्रो, जो बदलता है वही हीरो है। अब पता चला मुझे। एक बात और बोलूं, आज तुम्हारे साथ बैठा हूं तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूं ब्रो। यू आर द रियल हीरो। हैट्स अप ब्रो। प्लीज एक बार कार रोको ना प्लीज। हाँ बस रुक दो। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, कहीं उसने कुछ कर ना लिया हो। अगर वैसा कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा यार, इफ यू डोंट माइंड। वन सेकेंड, ये लो। हा? ये अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हेलो, व्हाट? नीरू का एड्रेस पता चल गया? कहाँ है वो? आइटम है भाई, रोक रोक। ये तो हीरोइन से कम नहीं है भाई, मस्त लग रही है, एक नंबर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पूरे 40,000 चलेंगे मेरे साथ? क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही है? 40,000 कम नहीं होते है? अरे क्या हुआ, और चाहिए क्या? अरे चल चलते है, लगता है इसे पैसे की जरूरत नहीं है। कैसे हो तुम श्री? प्यार को ढूंढ रही हो या अंजलि से मिलना चाहती हो? तुम्हारा प्यार अंजलि को ढूंढ रही हूँ। मैंने तो कभी अंजलि से प्यार नहीं किया। तो फिर? प्यार दुख को दूर करता है, दूर के रिश्ते को पास लाता है। तुम्हारे प्यार ने मेरा दुख दूर कर दिया है, इतना दूर कि अपना रिश्ता पास आ गया है। बेमतलब की बातें मत करो। तुम नहीं बदले हो श्री। एक साल पहले लड़कियों से डरने वाले श्री को देखा था मैंने, मगर आज मंदिर में चले दिए को हवा बुझा सकती है, मगर दिल में जगाए हुए प्यार को कोई नहीं मिटा सकता। पंच बहुत अच्छा है, पर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं। झूठ मत बोलो नीरू। मेरी बात समझ नहीं आ रही? मेरा प्यार घड़ी के कांटों की तरह है, तुम्हारे साथ बिताए हुए वो 10 दिन भी वैसे ही है। जिंदगी भर का प्यार मेरे नसीब में नहीं है, और क्या पता कुछ दिनों के बाद तुम मुझसे बोर हो जाओ, इसलिए मुझे भूल जाओ। पीछे मुड़कर तुम अपने आंसुओं को मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारे दिल की भावनाएं मैं समझ नहीं सकता हूं? लेकिन तुम औरों के साथ जैसी थी वैसे मेरे साथ तो नहीं थी। घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी बोला था, लेकिन मेरे साथ गोवा तक आ गई। पत्नी की तरह सेवा नहीं करूंगी बोला था, लेकिन मां से ज्यादा ख्याल रखा। लिप टू लिप किस नहीं करूंगी बोला था, लेकिन तुमने किस किया? ये सब तुमने प्यार के लिए तो किया है ना? उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया। एक्स्ट्रा चार्ज? मुझे पता है तुमने इसके लिए बिल्कुल अमाउंट नहीं लिया है। तुमने अपने सारे कंडीशंस क्यों क्रॉस कर लिए? पुरानी बातें हैं फिर भी कह रही हूँ। ड्रामा खत्म होने के बाद भी स्टेज पर रहना पागलपन है।
अब मैं जा रही हूँ श्री, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम मुझे भूल जाओ, यही अच्छा होगा। मुझ में बदलाव लाने वाली अब तो मेरे साए में भी मुझे दिखने लगी है। श्री, मुझे समझने की कोशिश करो, लड़की का जन्म देने वाले उस भगवान ने ही आधे रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया, तुम मेरे साथ इन कांटों भरी राह पर मत चलो श्री। गुलाब का फूल भी तो कांटों में ही खिलता है ना नीरू। ये सब मुझे मत समझाओ, तुम अपने रास्ते जाओ श्री, मुझे भूल जाओ।